माह सियाम का महीना अपनी तमाम तर बरकतों और फजीलतों को समेटे हुए तेजी से अपने इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आज जुमतुल विदा अलविदा माह रमजान की सदाओं के साथ फर्जंदानी तौहीद ने आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा का खुशू के साथ एहतमाम किया। नेकियों के इस मौसम बहार के आखिरी लम्हात को लोगों ने गनीमत जानकर उम्मीदों की झोली अपने रब के सामने फैलाकर दुआएं मांगी। आलम इस्लाम के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर की मसाजिद खानकाहों ज़ियारतगाहों और इमाम बारगाहों में जुमतुल विदा के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक़द हुए। वादी कश्मीर में जुमतुल विदा की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत पर में मुनक़द हुई, जहाँ पर वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए फर्जंदान तौहीद की एक कसीर तादाद ने नमाज अदा की। ये तो ये दिन किस्मत वालों का नसीब होता है, क्योंकि बड़े मजमे में नमाज पढ़ने से जितना सवाब मिलता है ना, ये उतनी छोटी छोटी ग्रुपों में जिनमें पढ़कर वो नहीं हासिल हो सकता है। ये जुमातुल विदा जो है जनाबी, ये माह इस माह रमज़ान का जनाबी आखिरी जुमा है, ये एक फजीलत वाला दिन है, ये एक बरकत वाला दिन है, ये एक अजीम दिन है। यहाँ मुसलमान जब इकट्ठे होते तो अल्लाह भी उनको उन पर राज़ी हो जाता है इंशाल्लाह, क्योंकि न जाने इतनी बड़ी भीड़ में कौन कौन अवलिया होगा, कौन कौन जनाबी नेकोकार बंदा, किसी न किसी का दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है और हमारे गमों हमारी परेशानियों हमारे दर्दों हमारे जनाबी इसको आसानी मिलती है इन बड़ी बड़ी इज्तिमाओं में आकर नमाज। इस खास मौके पर उल्मा और आयमा मसाजिद ने जुमतुल विदा की अहमियत और फजीलत बयान की, जबकि आलम इस्लाम और खासकर जम्मू कश्मीर के अमन अमान सलामती तरक्की खुशहाली और कोरोना वबा के मुकम्मल खात्मे के लिए खास दुआएं मांगी गई। लोगों ने अपनी जबान पर शिकवा करते हुए कहा कि पता नहीं कि आइंदा रमजान उनकी जिंदगी में आए भी या नहीं। अगर नम दह दह सत दह दह फायदे वनकन जाना अल्लाह ताला नईस हालत मज क्या क्या ना सही खुदा सुन तो आज क्या मंगू खास ये पी बस रहम खुले ऑलमोस्ट रहम इन जवान पे रहम बस तौबा कर बस तौबा कर वन गनीमत गनीमत वक्त गनीमत अंदर ये कि तौबस मन यून बकाय इस बीच मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में खामोशी छाई रही, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से जुमतुल विदा का इज्तिमा जामिया में मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इधर दरगाह हजरत बल में जहां वादी के अतराफ अकनाम से आए हुए फर्जंदान तौहीद की एक कसीर तादाद ने जुमा की नमाज अदा की, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दरगाह में जुमतुल विदा अदा किया। वतन में हो रही हैं उन खराबियों के बारे में कहा और कहा कि किस तरह से इनसे निजात मिल सकती है। माँ बाप को ख्याल रखना पड़ेगा अपने बच्चों का, मोबाइल जो है वो कितनी बर्बादी ला रहा है और हम नशे वाली चीज़ों में मुलविस हैं। इनके खिलाफ़ इन्होंने बयान किया है और दुआ की है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस मुश्किल से निकाले। जुमतुल विदा के इसी तरह के बड़े और अजीम शान इज्तिमात जनाब साहब सोरा आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह दस्तगीर साहब खानियार नक्शमंद साहब ख्वाजा बाजार और खानकाई मौला श्रीनगर के अलावा वादी के दीगर अजला की मसाजिद और खानकाओं में भी मुनक्कद हुए। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा के सदाओं के साथ आज जुमतुल विदा अदा किया गया। वादी की छोटी बड़ी मसाजिद दरगाहों और खानकाहों में पुररौनक और अजीम शान इज्तिमात मुनक्कद हुए, जहां सियाम के आखिरी लम्हात को गनीमत जानकर अहले इस्लाम ने अपनी झोली रब के सामने रखी, वही सर्वसजूद होकर अपने गुनाहों और ख़ताओं की मगफिरत तलब की। वादी कश्मीर में सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरतबल में मुनक्कद हुआ, जहाँ वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए कसीर तादाद ने यहाँ नमाज जुमा अदा किया। उधर तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी, क्योंकि अमन व अमां की सूरत हाल के पेश नज़र इंतज़ामिया ने वहाँ नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी।
वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज उद्दीन, ईटीवी भारत, दरगाह हजरत बल।